हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111 जे आप लोगों की पिक कार्ड रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनकी थॉट्स उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी करंट एनर्जी भी हम देखेंगे सो ये है आज का टॉपिक और इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है जब भी आप लोगों की नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा इसके अलावा रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ ये रीडिंग सब के लिए ओपन है शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा सो so अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पास तीन ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर वन है ए टू आई ऑप्शन नंबर टू है जे टू आर ऑप्शन नंबर थ्री है एस टू जेड तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है इसमें बिल्कुल आपने अपनी इंटविशन से कनेक्ट करना है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पर्सन के जैसे आपका दिल करता है जैसे आपकी इंटोशन आपको गाइड करती है जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए तीन डायमंड्स हैं सो ऑप्शन नंबर वन है ऑरेंज so, डायमंड ऑप्शन नंबर टू है ब्लू डायमंड एंड ऑप्शन नंबर थ्री है पिंक डायमंड तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं अगर आप तीनों देखना चाह रहे हैं दो देखना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप लोग मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है थैंक यू सो मच मैं प्लान कर रही हूँ इंस्टाग्राम पर लाइव आने के बारे में और यूट्यूब uh, पर भी मैं लाइव आती रहा करूँगी मैं प्लान कर रही हूँ सो यस पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ पेड रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ बट जब मैं लाइव आऊँगी इंस्टाग्राम पर तो मैं आप लोगों के फ्री क्वेश्चनस करूँगी वहाँ पर लाइव टैरो रीडिंग हम करेंगे इंस्टा पे सो so, आप मुझे वहाँ पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर वन से जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर वन यानी कि ए टू आई सेलेक्ट किया है ऑरेंज डायमंड के साथ ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है उनकी फीलिंग्स क्या हैं उनकी थॉट्स क्या हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है सो so, सबसे पहले हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स फिर है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स। सो डबल एट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है फिर है हमारे पास उनकी फीलिंग्स में डेथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स सो यहाँ पर एरीज uh, लियोसाजिटेरियस है पाइसीस कैंसर स्कॉर्पियो है टॉरस वर्गो के अप्रिकॉर्न भी आप एड कर लीजिए लीब्रा जमना या कोरियस भी सो so, सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर शो हो रहे हैं मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है सो so, आपके पर्सन की ओवरऑल करंट एनर्जी क्या है आई फील के आ, वो पहले स्टक थे अपनी फीलिंग्स को लेकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अपनी हैप्पीनेस को लेकर उनको लगता था कि जो उनकी विशेज़ होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं बट राइट ना आपके पर्सन एक बड़ी अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी बिकॉज़ मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती किसी को हर्ट नहीं करना चाहती जो मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी सो so अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर आपने ये पायल नहीं देखना सो so, जिन लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है ये पाइल बिल्कुल आपके लिए है बिकॉज़ मुझे थर्ड पार्टी की बहुत वाइब्स आ रही हैं Uh, आपके साथ आपके पर्सन बहुत स्टक थे नो no डाउट कि आपके साथ उन्होंने बड़ा अच्छा कनेक्शन महसूस किया बट राइट ना उनके दिल में कुछ नया चल रहा है किसी नए इंसान को वो परस्यू कर रहे हैं किसी नए इंसान के साथ नज़र आ रहे हैं और उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मे बी ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है या पास्ट की एनर्जी है मे बी अब ब्रेकअप हो चुका है अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं हैं बट थर्ड पार्टी थी यहाँ पर और वो दूसरा इंसान ही नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं कि क्वीन ऑफ़ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स हमारे पास है सो so, दो चॉइसेस थी आपके पर्सन की ज़िंदगी में एंड राइट नाउ आई ऑलमोस्ट फील कि आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं परस्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक जो स्पार्क उनकी ज़िंदगी में लौटा है उस स्पार्क को परस्यू करना चाह रहे हैं उसके पीछे जा रहे हैं उस लाइट उस एनर्जी के पीछे जा रहे हैं जो उन्हें महसूस हो रही है आम, किसी और के लिए ये पास्ट भी हो सकता है अगेन मैं ये कहूँगी बट उनकी करंट एनर्जी हम देखना चाह रहे थे जिसमें आई फील कि आपके पार्टनर आपके पर्सन में भी आपके एक्स हैं आ, किसी और को परस्यूव करते हुए नज़र आ रहे हैं सो so, आप के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं यहाँ पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो अगर इस वक्त थर्ड पार्टी में हैं या थे स्टिल कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए जगह थी उनका दिल ओपन आपके लिए हमेशा रहा है ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग हो रही है आ, ये बहुत अजीब भी है यू you नो know? कि आपके पर्सन मे बी आपको भी रखना चाहते थे थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते थे आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या हो रहा है बट आई फील कि जैसे आपकी वर्थ और वैल्यू उनके जहन में हमेशा थी उनके दिल में हमेशा आपके लिए फ़ीलिंग्स uh, रही हैं एंड स्टिल उनके दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स हैं एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करना चाहते हैं सो आप मैनीफेस्ट कर सकते हैं आप जो चाहें मैनीफेस्ट कर सकते हैं और आई uh, थिंक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में लाइव आने के बारे में कहा था और मैं जब लाइव आऊँगी तो हम लॉ ऑफ जसम्पन के ऊपर बात करेंगे बिकॉज़ मैं आजकल इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रही हूँ और मैंने इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट भी किया है अपनी ज़िंदगी में और मुझे रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं सो so, अगर आप थर्ड uh, पार्टी को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने थर्ड पार्टी का जिक्र नहीं करना है और आपने ये कहना है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं और आपने ये एफ़र्मेशनस कहते रहना है क्योंकि जो आपके जहन में अजम्पन होगी वही मैनिफेस्ट होगी सो अगर आप थर्ड पार्टी को निकालना चाहते हैं तो फिर आपने ये करना है और कॉन्स्टेंटली करना है जब आपका दिल करेगा आपने एफर्मेशन कहनी है सो so, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है इस पर मैं ज़रूर बात करूँगी आने वाले दिनों में बट एनी वेज आपके पर्सन की फीलिंग्स पर आ जाते हैं कि उनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए हैं और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ कर वापस आपके पास आ जाएंगे और ये टोटली totally आपका डिसीजन होगा कि आपने वापस उन्हें अपनी ज़िंदगी में रखना है या नहीं रखना है सो so, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हमारे पास है वर्काहलिक फिर है हमारे पास इनसिक्योरिटी फिर है हमारे पास रेंडिटी नेक्स्ट इज़ नेवर एंडिंग स्टोरी फिर है हमारे पास ट्रस्ट बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर वेन वी ड्रीम एवरी थिंग इज़ पॉसिबल सो आई थिंक ये कार्ड आपके लिए भी है कि अगर आप बिलीव करेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है परफेक्ट टाइमिंग सो मैं बात कर रही थी कि आप जिस भी चीज़ पर बिलीव करेंगे वो हो जाएगी क्योंकि आपके दिल में जो डिज़ायर आ रही है आ, उसका ये मतलब नहीं कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करती आपके दिल में डिज़ायर आने का किसी भी चीज़ के ये मतलब है कि वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है एंड यू कैन हैव इट सो हर चीज़ क्रिएट हो चुकी है क्रिएशन ख़त्म हो चुकी है और ऐसा कुछ नहीं है जो आप क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप कोई चीज़ इमेजिन कर सकते हैं फ़ील कर सकते हैं डिज़ायर कर सकते हैं इट मींस कि वो प्रेजेंट है और आप उसे अचीव कर सकते हैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं सो so एक तो ये आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अपनी टाइमिंग पर ट्रस्ट करें इस सिचुएशन पर ट्रस्ट करें ये आपके हक में अनफोल्ड हो सकती है बिकॉज आई फील कि अब आपके पर्सन जो हैं वो इनसेर होना शुरू हो जाएंगे फ्यूचर एनर्जीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो पॉसिबिलिटीज़ नजर आ रही हैं जो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं बिकॉज आई फील कि अगर आपके पर्सन आपको छोड़ गए थर्ड पार्टी में सो so वो उन्हें थर्ड पार्टी ने ठुकराना है अल्टीमेटली ये नज़र आ रहा है इन कार्ड्स में सो so, ये मैं आप लोगों को खुश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही आ, आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन को ये महसूस होने वाला है कि इट्स एवर एंडिंग स्टोरी कहीं ना कहीं उनकी ग़लती है और वो इनसेर होने वाले हैं बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप्स को लेकर एंड आई फील कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ़ देयर कारमा उन्हें रियलाइज़ होने वाला है उनके एरर्स उनके फ्लॉज और फिर बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास वापस आएंगे बट ये आपका डिसीजन होगा कि आपने उन्हें वापस अपनी ज़िंदगी में रखना है या नहीं रखना है बट ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है बिकॉज आपके पर्सन के दिल में इनसिक्योरिटी शुरू होने वाली है उन्हें चीट किया जाना है और ये नज़र आ रहा है मुझे इन कार्ड्स में सो राइट नाओ आई थिंक आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप फोकस करें अपने ऊपर सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करें कोई हॉबी ढूंढें अपने आप को मसरूफ करें और फेथ रखें फेथ रखें कि आपकी सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है बल्कि ये फेथ रखें कि आपकी तरफ हमेशा कुछ अच्छा ही आएगा सो so आप ये भी अफर्म किया करें कि ओनली गुड कैन कम टू मी गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे ये भी आप कह सकते हैं आपकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा होता है आपकी ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत है कोई आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता है आप अगर उर्दू में अफर्म करना चाहते हैं अगर हिंदी में अफ़र्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डिपेंड करता है जैसे आपका दिल करता है जिस लैंग्वेज में आपको महसूस होता है कि आपने अफ़र्म करना है आपने उस लैंग्वेज में करना है सो आई फील के इट्स ऑल अबाउट योर जर्नी ये आपके पर्सन की बात यहाँ पर हम कर तो रहे हैं बट यहाँ पर हाईलाइट ये हो रहा है कि इट्स ऑल अबाउट यू कहाँ पर आपका फोकस जाता है आप किस चीज़ के बारे में सोचते हैं और वही मैनिफेस्ट होगा सो so अगर आप पॉजिटिविटी सिचुएशन में से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लिए बहुत सी यू uh, नो you know, के ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में आएंगी और आप डिज़र्व करते हैं uh, कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो सो आई फील के uh, इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट हो रहा है स्पिरिट की तरफ़ से कि आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें अपने ऊपर फोकस करें और फिर आपके ऐक्सी नहीं और भी बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होंगे और ऐसा ही होता है अगर आपने कभी ट्राई करके देखा है ये कि जब आप अपना फोकस हर लोग हर चीज़ पे से हटा लेते हैं और अपने ऊपर शिफ्ट करते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आकर मैसेजेस करने लग जाते हैं और आ, हम हैरान होते हैं कि कितने साल कितने अरसे कुछ लोगों से बात नहीं हुई और अब आप वो आपको टेक्स्ट करने लग जाते हैं अचानक से सो so इस तरह आप मैग्नेटिक होते हैं सो so अपने आप को मैगनीटाइज करें अपनी एनर्जी फील्ड को अपने आप को Uh, ताकि आपको किसी को चेज़ ना करना पड़े और चेज़िंग कभी भी नहीं करनी चाहिए ये बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेसनल एक्ट इसको मैं कहूँगी कभी भी चेज़ ना करें एंड आब ने ज़िंदगी के किसी ना किसी पॉइंट पर चेज़ किया है एंड इट्स ओके क्योंकि अगर जब तक हम नहीं करेंगे गलतियाँ तब तक हम नहीं सीख पाएंगे हम नहीं अपना लेसन लेंगे सो मैंने भी किया है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेज़ बट अब मैं भी उस पॉइंट पर हूँ कि अब मुझे चेज नहीं करना है राइट right? क्योंकि हम लोग हम लोग ये डिज़र्व नहीं करते हैं राइट सो एनी वेज़ आपको ये इनक्रेज किया जा रहा है कि आप सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करें बहुत पॉसिबिलिटी है कि नियर फ्यूचर uh, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे मे बी आपसे माफ़ी भी मांगेंगे बट वो टोटली totally आपका डिसीजन होगा कि आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी में रखना है या नहीं बट आई फील के चीज़ें अब बदलना शुरू हो गई हैं उनकी ज़िंदगी में जो बड़ा खुश थे और बड़ा uh, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे थर्ड पार्टी के साथ वो ख़त्म होने वाली है थर्ड पार्टी सो so, यस yes, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर वन कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में अगर आप नए थे मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर टू यानी कि जे टू आर सेलेक्ट किया था ब्लू डायमंड के साथ ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स थॉट्स क्या हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है सो so, सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल्स द मजिशन किंग ऑफ कप्स फाइव ऑफ वॉर्नस सो so, आपके लिए फीलिंग्स हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ कप्स टेम्परेंस एंड थ्री ऑफ कप्स सो यहाँ पर पाइसीस कैंसर स्कॉर्पियो है सेडिटेरियस है अक्वेरियस भी आप ऐड कर लीजिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ये स्टार साइंस हैं बट मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है सो so, आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं आई फील के आ, बहुत सैड और लो वाइब्स में से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ख़ुद पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं एक बड़े डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में से बाहर आ रहे हैं आई फील कि उन्हें Uh, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था रिसेंटली बट वो रिकवर हो रहा है या हो चुका है सो so, आपके पर्सन एक बहुत बेहतर सिचुएशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं वो बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे हैं अपने बारे में अपनी ज़िंदगी के बारे में उनको बड़ा पावरफुल महसूस हो रहा है सो मे बी उन्होंने कोई बहुत मुश्किल चीज़ को ओवरकम किया है उनकी ज़िंदगी में कोई हर्डल थी किसी चीज़ को लेकर उनकी सक्सेस से जुड़ी थी मे बी फैमिली मैटर था कोई बट ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा डाउन कर रही थी बट फाइनली उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होने लग गया है वो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ है जो उन्होंने अचीव किया है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है और वो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं आई ऑल्सो फील कि वो इस वक्त बड़ी जेनरस बड़ी लविंग एनर्जी में हैं और आ, अपने पास्ट को भुला रहे हैं आई फील के जैसे अब वो फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ उन्हें अपनी स्किन में बड़ा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है अपनी ज़िंदगी के बारे में वो अच्छा महसूस कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ें बॉदर नहीं कर रही कि लोग क्या कह रहे हैं लोग क्या करेंगे या वॉट एवर यू नो लोगों के बारे में बिल्कुल भी परवाह इस वक्त वो नहीं कर रहे हैं और बड़ी अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं बड़े कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं सोर्स एनर्जी से बड़े ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं पावरफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं ओवरऑल आपके पर्सन ये उनकी करंट एनर्जी है सो so, आपके लिए उनकी फ़ीलिंग्स क्या हैं आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपसे अपना लव कन्फेस नहीं किया या बहुत कम किया बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है बट ट्रू जेनुअन लव है यहाँ पर बिकॉज किंग ऑफ कप्स मेरे लिए ट्रू जेनुअन लव का कार्ड है बट uh, ये जो उनका कॉन्फिडेंस है ये जो जेनरॉसिटी है ये जो हैप्पीनेस है आई फील कि कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी हुई है Um, वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो ज़िंदगी के बारे में एक्साइटेड हो जाते हैं वो जब आपके बारे में सोचते हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा लगता है उन्हें ऑपरचुनिटीज़ नज़र आती हैं आपके साथ एंडलेस uh, ऑपरचुनिटीज़ उन्हें लगता है कि आप दोनों मिलकर कोई प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं साथ कुछ क्रिएट कर सकते हैं एक हेल्दी फ़ाउंडेशन की बुनियाद रख सकते हैं आप दोनों कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं बट राइट नाओ उनकी फ़ीलिंग्स भी यहाँ पर प्रोमिनेंट हो रही हैं और ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे वो आपको ये ये कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ बहुत स्टेबल और टेंजिबल ये फ्लावर्स भी हो सकते हैं ये इंगेजमेंट रिंग भी हो सकती है सो so, बहुत से लोगों के लिए है क्योंकि ये रीडिंग बहुत से लोग देख रहे हैं सो so, वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन कि ये क्या ऑफ़र है जो वो आपको देने वाले हैं बट ये जो भी ऑफ़र है ये आपको बहुत खुशी देगी अगर आप मैनीफेस्ट करना चाह रहे हैं इस ऑफ़र को या आप वेट कर रहे थे बहुत अरसे से इस ऑफ़र का आई ऑल्सो फील कि उनके दिल में आपके लिए बहुत रोमांटिक फ़ीलिंग्स हैं बहुत रोमांटिकली आपके बारे में वो सोच रहे हैं और विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि अगर वो आपको ये ऑफर देंगे तो कैसा रहेगा अगर वो आपसे ये कहेंगे तो कैसा रहेगा सो so, सारा कुछ सोच रहे हैं वो इस वक्त डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स में है कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं जैसा मैंने पहले भी कहा अपनी फ़ीलिंग्स से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं आई ऑल्सो फील कि शायद आप लोगों में कुछ डिफरेंसिज़ हैं लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती हैं कल्चर ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है मे बी आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है सो so ये जो भी डिफरेंसेस हैं आई फ़ील कि आपके पर्सन इन से हट सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा uh, उन्हें नहीं परवा इन डिफरेंसेस की वो एक्सेप्ट करते हैं आपको जैसे आप हैं जो भी आपके डिफरेंसेस हैं उन्हें खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं और वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं आई आल्सो फील कि उनके लिए भी बड़ा ये टफ़ था अपने दिल और दिमाग को अलाइनमेंट में लेकर आना बिकॉज़ शायद उनका दिमाग ये कह रहा था कि वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए या वट और उनके दिल में हमेशा से आपके लिए फ़ीलिंग्स थी ट्रू जैन लव था बट फाइनली वो अपने दिल और दिमाग को सेम पेज पर ला चुके हैं एंड आई फील कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं वो हैप्पी टाइम्स को याद करते हैं सेलिब्रेशन को याद करते हैं आपसे मिलना चाहते हैं रेकन्लिएशन <coughs> की वाइब्स हैं कुछ लोगों के लिए विद थ्री ऑफ कप्स मे बी आप लोग अभी तक सिर्फ फ्रेंड जोन में थे बट आई फ़ील कि वो ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा है और वो आपको ऑफर करना चाहते हैं फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा सो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन uh, इस सारी सिचुएशन में कुछ ओरेकल्स देख लेते हैं हमारे पास है रिजेक्शन फिर है हमारे पास प्रेयर गो द डिस्टेंस वाओ सो अभी लॉन्ग डिस्टेंस की मैं बात कर रही थी और यहाँ पर डिस्टेंस का जिक्र हो रहा है बट इसका ये मतलब भी है कि वो रीच आउट करने वाले हैं रीच आउट करना चाहते हैं आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड कि वो आपके लिए एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं उनके दिल में डिज़ायर बहुत है फिर हमारे पास वाई लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग सो ये कार्ड आपके लिए भी है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए तो आपको लविंग होना चाहिए पहले क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक यूनिवर्स आपके साथ हमेशा मैच करता है यूनिवर्स आपको वट नहीं देता इफ़ यू वांट समथिंग तो आपको और ज़्यादा वांट मिलेगी सो इफ़ यू वांट लव यू हैव टू बिकम लव राइट सो अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको खुद पहले एग्जाम्पल बनना पड़ेगा राइट right? आपको खुद प्यार बनना पड़ेगा सो लास्ट इज़ पीसफुल रेजोल्यूशन सो आपके पर्सन बड़ा क्लियर यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया है कि पीस चाह रहे हैं आपके साथ बनाना मे बी आप लोगों की फ़ाइट हुई रिसेंटली कोई डिसअग्रीमेंट हुआ वट एवर बट यहाँ पर पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है आई ऑल्सो फील कि वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में मे बी आप भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं आपके पर्सन को शायद रिजेक्शन का भी डर है मे बी ये वो इंसान है जिन्होंने आपको एक दफ़ा रिजेक्ट किया बट नाउ दे आर रियली होपिंग कि अब वो आपकी तरफ आएँ तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें इनके जहन में बहुत से क्वेश्चन हैं आई ऑल्सो फील कि आपके जहन में बहुत से क्वेश्चन हैं इनको लेकर इन दो कार्ड्स के साथ आई फील कि जैसे वो आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं सो so जब ये कम्युनिकेशन होगी आप जो इनसे सवाल करेंगे आपको उनका जवाब मिल जाएगा वो आपको आंसर देना चाहते हैं कि उन्होंने जो कहा वो क्यों कहा उन्होंने जैसे बिहेव किया क्यों किया बट रेली really ये इंसान आपके वेलविशर well हैं ये इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं भी होंगे तो अनकंडीशन सॉरी अनकंडीशनली ये आपसे प्यार करते रहेंगे आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड ये भी बड़ा लिटरल मैसेज है कि शायद वो बहुत ज़्यादा उन्हें उनके कंट्रोल इशूज़ थे वो कंट्रोल करते थे फीलिंग्स को सिचुएशंस को बट उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उन्हें कंट्रोल करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली सो आई फ़ील कि आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हुई है और वो देखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन कैसे अनफोल्ड होता है मे बी वो पहले आपसे ये कह रहे थे कि वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है आपके साथ फॉरवर्ड जाने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है कनेक्शन के लिए बट नाउ दे आर रेडी क्योंकि वो अब फोर्स नहीं करना चाह रहे हैं वो देखना चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन ख़ुद ही कैसे अनफोल्ड होता है वो ये नहीं कहेंगे uh, कि मुझे कनेक्शन में नहीं जाना और इस कार्ड का यही मतलब है कि दे आर लेटिंग गो Uh, वो अपने इस कंट्रोल करने की जो उनके अंदर एक अर्ज है एक डिज़ायर है उसे ख़त्म उन्होंने कर दिया है एंड फाइनली उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उन्हें यहाँ पर कंट्रोल करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है uh, ये सेफ़ है उनके लिए और वो देखना चाहते हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आगे क्या हो सकता है आप लोगों के लिए बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं अपनी फीलिंग्स में होते हैं तो उन्हें एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं आपके साथ सो so, यहाँ पर कोई हार्म नहीं है उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविटी है सो आई फ़ील कि आपके पर्सन के दिल में अगर कोई फियर कोई इनसेरिटी थी क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स समटाइम्स इनसेरिटी का कार्ड भी होता है सो so, उनके जहन में जो भी इनसेरिटी थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी है एंड आई फील कि अब वो बिना अपने इमोशंस को कंट्रोल किए आपकी तरफ आना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए कन्फेशन uh, हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करने वाले हैं uh, बाकियों के लिए आई फील के येस yes, वो आपके साथ पीस बनाएंगे दोस्ती दोबारा करेंगे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी देंगे ये उनका नेक्स्ट एक्शन होगा सो so ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर टू कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा पसंद आया मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में अगर आप नए थे मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर थ्री यानी कि एस टू जेड सेलेक्ट किया था पिंक डायमंड के साथ ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है उनकी फीलिंग्स उनकी थॉट्स आपके लिए क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है सो so, सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी द फूल द हाई प्रीस्टेस नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फिर है हमारे पास सेवन ऑफ वॉन्ट्स सो so, आपके लिए उनकी फीलिंग्स पेज ऑफ कप्स नाइन ऑफ वार्नस सिक्स ऑफ वार्नस एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स सो यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है एरीज लियो सैजिटेरियस है पाइसीज कैंसर स्कॉर्पियो है सो द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है बट आप अक्वेरियस भी ऐड कर लीजिए ये स्टार साइंस हैं लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है सो so, आपके पर्सन फाइटर हैं उनकी करंट एनर्जी पर बात करेंगे सबसे पहले आपके पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आपके पर्सन ने बहुत ऑब्जर्व किया है आपको अपनी ज़िंदगी को इस सारी सिचुएशन को और आ, उनकी एनर्जी फील्ड में आप हैं मे बी सॉरी वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए और वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं आप हैवीली उनके जहन में हैं बिकॉज़ इन कार्ड्स को देखते हुए आई फील ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जी और आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स हैं इस प्रेजेंट टाइम में आई फील कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है मे बी बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट किया है आपके पेशेंस को टेस्ट किया है um, माइंड गेम्स भी हो सकती हैं बट नॉट इन अ बैड सेंस यू नो कुछ लोगों के लिए डिफ़ेंस मैकेनिज़्म होता है ख़ुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं और इसलिए वो देखते हैं कि सामने वाला किस हद तक इंटेंस uh, है और किस हद तक अंडरस्टैंडिंग है सो so, इस अंदाज़ में आपके पर्सन ने शायद आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट किया है सो so, आपके पर्सन ने बड़ी विजडम हासिल की है इस कनेक्शन के थ्रू uh, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है और ये भी सीखा है कि उन्हें ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए सो so, आपके पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं फ़ाइट करना चाहते हैं ऑब्स्टेकल्स को uh, जो भी चैलेंजेस हैं फाइट करना चाहते हैं आपके पर्सन वॉरियर हैं डेफिनेटली ये वॉरियर वाइब्स हैं सो so, आपके लिए उनकी फ़ीलिंग्स के साथ मैं ये 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 कार्ड्स भी रिलेट करूँगी कि वो uh, कुछ लोगों के लिए मुझे अपॉलोजी आती हुई नजर आ रही है हालांकि अभी हम उनकी फ़ीलिंग्स में हैं नेक्स्ट एक्शन पर अभी मैं नहीं आई बट उनका ये नेक्स्ट एक्शन नज़र आ रहा है कि शायद वो आपसे अपोलॉजाइज करेंगे बिकॉज़ शायद वो पहले रेडी नहीं थे आपके लिए बट अब वो आपके लिए रेडी नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं मे बी आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी पुराना है पाँच छः साल कुछ लोगों का रिलेशन रहा है और अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में सक्सेस होनी चाहिए वो सक्सेस success, सक्सेसफुल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को विद सिक्स ऑफ वार्नस एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स वो आपको एज अ फैमिली देखते हैं दे फील के आप वो इंसान है जिसके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं और वो बड़े प्राउड होंगे जब वो लोगों को बताएंगे या अपनी फैमिली से आपको मिलवाएंगे वो बड़े प्राउड होंगे कि वो आपके साथ हैं और आप उनसे प्यार करते हैं और आप उनके लाइफ पार्टनर बनेंगे उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होता है जब वो ये सोचते हैं सो आई फील के आपको लेकर आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रू हैं बहुत ज़्यादा जेनुन इंटेंशंस मुझे उनकी नज़र आ रही हैं कि वो फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए वो सीरियसली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लिए आ, मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि बहुत स्ट्रगल रही है इस कनेक्शन में जाहिर है कि ये आसान कनेक्शन कभी भी नहीं रहा आप लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है बट इसमें बात अच्छी पॉजिटिव ये है कि आपके पर्सन कभी भी गिवअप नहीं आप पर करना चाहते वो आखिर तक जाना चाहते हैं आपके साथ और यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि किसी ने कितनी एफ़र्ट किया आपके लिए राइट right? uh, सो आई फील के आपके पर्सन ऑल आउट जाना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए मे बी प्रैक्टिकली अभी वो बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए बहुत कुछ उन्होंने शायद अभी तक प्रैक्टिकली आपके लिए नहीं किया बट उन्होंने ये ज़रूर किया और वो करना चाहते हैं कि वो आपसे जुड़े रहें यानी चाहे एनर्जेटिकली चाहे मॉरली आपको सपोर्ट करें बट करते रहें वो ये चाहते हैं सो आई फील के अल्टीमेटली वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में ओवरऑल वाओ wow. मैंने अपोलोजी की बात की और यहाँ पर फो का कार्ड आ गया सो so ये कार्ड्स मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ मैं हमेशा आप लोगों के साथ ही देखती हूँ क्या कार्ड्स आए हैं सो so फिर है हमारे पास विक्टम क्लीन इट अप टाइम टू गो फिर है हमारे पास न्यू लव न्यू पर्सन हैस्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स सो कुछ लोगों के लिए ये बहुत पुराना कनेक्शन भी हो सकता है जैसे मैंने कहा और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया कनेक्शन भी हो सकता है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ असेंशल वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक और फिर है हमारे पास लिसन टू योर इंटोवेशन सो आप लोगों की इंटोवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और द हाई प्रीस्टस यहाँ पर कार्ड आया है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं uh, यह आपकी एनर्जी भी है कि आप हाईली इंटोटिव हैं Uh, कोई साइकिक है मे बी आप में से कोई टैरो कार्ड रीडर हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं बट एनी वेज़ की इंटुविशन बहुत स्ट्रॉग है और इस सारी सिचुएशन में आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी इंटुशन को फॉलो करें आपकी गट फीलिंग को फॉलो करें और यू uh, नो you know कि आपको क्या करना चाहिए डीप डाउन आपको पता भी है कि क्या होगा इस कनेक्शन में आपकी गट फीलिंग आपको बताती है आपको साइंस मिलते हैं सिंक्रिस्टीज़ नज़र आती हैं आई so, फील uh, के आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में ये सोच रहे हैं कि जो मैस उन्होंने क्रिएट किया इस कनेक्शन में अब उसे साफ़ करने की ज़रूरत है चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है विद दिस कार्ड इट अप और इसका ये मीनिंग भी है कि नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो भी कन्फ्लिक्ट था जो भी आप लोगों के दरमियान फ्रिक्शन थी उसे रिलीज़ करना चाहते हैं आपके पर्सन एंड दे रियली फ़ील कि अब उन्हें इस ओस से इस कनफ्लिक्ट से दूर जाना चाहिए टाइम टू गो को मैं इसी तरह इंटरप्रेट करूँगी इस सारी सिचुएशन में आ, उनको ये महसूस हो रहा है कि अब उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें विक्टम प्ले नहीं करना चाहिए बड़ा स्पेसिफ़िक मैसेज है मे भी वो विक्टम प्ले करते हैं आ, कभी कभार वो ये सोचते हैं कि उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता उनकी ज़िंदगी में कभी अच्छा नहीं हुआ आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया सो so, वो अपनी थिंकिंग को अब चेंज कर रहे हैं और अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर रहे हैं सो आई फ़ील कि उन्हें आ, ये महसूस हो रहा है कि उन्हें आपसे अपोलोजाइज करना चाहिए किसी चीज़ के लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है कि वो आपसे अपोलोजाइज करेंगे किसी बात पर बड़ा लिटरल है कोई बहुत स्वीट ऑफर आपको देंगे आपसे माफ़ी मांगेंगे बड़े स्वीट अंदाज में और फिर न्यू लव आई फील कि आप लोगों का ये कनेक्शन रिन्यू होने वाला है और एक स्पेसिफ़िक मैसेज है वो ये कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और भी आने वाला है लिटरली न्यू लव कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है बहुत जल्दी इन नियर फ्यूचर बट ये टोटली totally आपका डिसीजन है कि आपने अपने पर्सन uh, के साथ जाना है या इस नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है बट आप लोगों के लिए दो ऑप्शंस हैं आपके ये पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और कोई नया इंसान भी सो so, ये मैसेज एक एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए आया है ग्रुप नंबर थ्री सो राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आई फील के टायर्ड हैं थके हुए हैं मे बी रिसेंटली उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है मे बी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे सो राइट नाउ वो थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि अपनी थाट्स को गैदर करें क्लियरली सोच सकें कि नेक्स्ट उनका स्टेप क्या होगा बट आई फील के अब तक वो इस कंक्लूजन पर आ चुके हैं कि उन्होंने आपसे अपोलोजाइज़ करना है किसी बात के लिए और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं इसमें भी कोई शक नहीं है सो so, यस yes, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर थ्री कुछ भी आपसे रेजिनेट किया पसंद आया मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में अगर आप नए थे मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनीफेस्ट करना चाहते हैं न्यू लव ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनीफेस्ट हो और ज़रूर होगा क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल अपने आप को ये ज़रूर बताया करें अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा आई एल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन लव यू लॉट्स बाय